छत्तीसगढ़ के जशपुर में जनसभा के दौरान जेपी नड्डा ने भूपेश बघेल पर साधा निशाना, कहा सत्ता में आने के लिए कांग्रेस का सट्टा घोटाला। महादेव ऐप मामले में गिरफ्तार आरोपी असीम के मोबाइल वॉइस नोट से खुलासा हुआ है। ऐप के मालिक पर फंडिंग को लेकर छत्तीसगढ़ सरकार ने दबाव बनाया। महादेव ऐप पर कांग्रेस नेता जयराम रमेश का ट्वीट, कहा कई महीनों की जांच के बाद ईडी का ऐप पर बैन न लगाना आश्चर्य की बात। बीजेपी के तेलंगाना के स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी, पीएम मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह समेत 40 बड़े नेता के नाम शामिल। गांधीनगर में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने ऑस्ट्रेलियन शिक्षा मंत्री से मुलाकात की है। द्विपक्षीय बैठक में दोनों नेताओं के बीच बातचीत हुई। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का बड़ा दावा, कहा पूर्ण बहुमत के साथ राजस्थान में सरकार बनाएगी बीजेपी। सरदारपुरा सीट से अशोक गहलोत ने भरा नामांकन, बेटे वैभव गहलोत साथ में मौजूद रहे, नामांकन से पहले बहन का लिया आशीर्वाद। टाइम्स ऑन भारत से एक्सक्लूसिव बातचीत में ओवैसी का कांग्रेस पर हमला, कहा राम मंदिर मुद्दे पर चुप क्यों है राहुल गांधी। चुनाव से पहले राजस्थान के लिए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का 7 गारंटी का ऐलान, ट्वीट कर लिखा इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई और लैपटॉप से युवाओं का बढ़ेगा मनोबल। आचार्य प्रमोद कृष्णम का सीएम गहलोत पर बड़ा आरोप, कहा जिस मंत्री को राहुल ने भ्रष्ट बताकर टिकट काटने की घोषणा की, गहलोत ने उन्हीं को दिया टिकट। राजस्थान के लिए आम आदमी पार्टी ने जारी की 5वीं लिस्ट, हवा महल और कर्णापुर के लिए उम्मीदवारों की घोषणा की गई। अमित शाह के बयान पर संजय राउत का पलटवार, कहा उन्हें इंडिया अलायंस की चिंता करने की जरूरत नहीं, 2024 में सबसे भ्रष्ट सरकार को हराना हमारा लक्ष्य। अमित मालवीय का कांग्रेस पर निशाना, फोटो ट्वीट कर लिखा कर्नाटक राजस्थान की तरह एमपी में कांग्रेस को वोट देना मतलब प्रदेश को कांग्रेस का एटीएम बना देना। प्रियंका गांधी पर शिवराज सिंह का निशाना, कहा प्रियंका गांधी जी आप जब भी मध्य प्रदेश आती हैं तो झूठ की दुकान खोल देती हैं। सीएम शिवराज सिंह का कमलनाथ पर निशाना, कहा कमलनाथ की उम्र को लेकर बहुत कंफ्यूजन है, उन्हें अपनी सही उम्र बतानी चाहिए। ग्वालियर में जनसभा के दौरान सिंधिया को देखकर भावुक हुई बुजुर्ग महिला, लगाया गले, सिंधिया ने महिला को कुर्सी पर बैठाकर भीड़ को दूर किया, वीडियो हुआ वायरल। टीकमगढ़ में बीजेपी और कांग्रेस पर अखिलेश का निशाना, कहा आपको राशन ही नहीं मिलता बीजेपी को वोट क्यों, कांग्रेस भी बहुत चालाक पार्टी है, बचकर रहना। राहुल गांधी के केदारनाथ दौरे का आज दूसरा दिन, राहुल ने किए बाबा केदार के दर्शन, श्रद्धालुओं को चाय पिलाते हुए बातचीत की। राहुल की चाय बांटने पर तेजिंदर पाल सिंह बग्गा का तंज, का राहुल पहले कहते थे चाय वाला पीएम नहीं बन सकता, अब खुद चाय बांट रहे हैं। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय का अरविंद केजरीवाल पर बड़ा हमला, कहा बीजेपी की बी टीम है आप, केजरीवाल बीजेपी के साथ हैं। महुआ मोइत्रा मामले में 9 नवंबर को होगी एथिक्स कमेटी की बैठक, पिछली बैठक में जमकर हुआ था हंगामा। दिल्ली प्रदूषण को लेकर राजनीति शुरू, गोपाल राय ने कहा यूपी और हरियाणा के जनरेटर सेट की मार झेल रही दिल्ली, बीजेपी वाले काम के बाद करें बात। हरियाणा के सीएम खट्टर का केजरीवाल पर निशाना, कहा केजरीवाल प्रदूषण की जिम्मेदारी लें, संकट के समय दिल्ली छोड़कर दूसरे राज्यों में है, सरकार चलाने में परेशानी है तो बताएं। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा सीएम केजरीवाल की गंदी राजनीति की वजह से दिल्ली बनी गैस चेंबर, जन मशीन उन मशीनों का क्या हुआ जो केजरीवाल किसानों को देने वाले थे।